इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। रहुबियाम का राज्य। जब रहुबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामिन के घराने को जो मिलकर 180,000 अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करे जिससे राज्य रहुबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहुबियाम से और यहूदा और बिन्यामिन के सब इसराइलियों से कह, यहोवा यो कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। सो रहुबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बेथलहम, एताम, तको, बेतसुर, सोके, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकिश, अजेका, सोरा, अयालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामिन में है, दृढ़ किया। और उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ किया। यहूदा और बिन्यामिन तो उसके थे और सारे इसराइल के याजक और लेवीय भी अपने सब देश से उठकर उसके पास गए। यो लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आ गए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। और लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहुबियाम को 30 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। और रहुबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात महलत को, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता ईशे के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहेल थी। और उसने यूश, शमरियाह और जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद उसने अबशालोम की नतीनी माका को ब्याह लिया और उससे अबियाह, अत्ते, जीजा और शमोमित उत्पन्न हुए। रहुबियाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 8 रखेलियां रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की नतीनी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम करता था। सो रहुबियाम ने माका के बेटे अबियाह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए, और वह समझबूझकर काम करता था। और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामिन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दे दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी।